हेलो, कहाँ था तू? तुझे पता है तेरा कब से वेट कर रही हूँ। यार तू वो छोड़, तू एक बार आग बंद करते ले, सरप्राइज लाया। मैं कुछ नहीं करी, पहले बता तू था कहाँ। एक बार कर ना प्लीज, सरप्राइज लाया एक बार प्लीज। हर्ष तू पागल है क्या? हो गया आशीष, चार तो खाए थे, भूख लग रही तो चार केले खा के भी इस बात पे इतना गुस्सा करेगी? हर्ष यार तू कब सीरियस हो गया इस रिलेशनशिप को लेके? मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, कल हमारे खानदानी पंडित भी आ रहे हैं और पापा उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं करते। अब तुझे उस पंडित को इम्प्रेस करना है कुछ भी करके, मुझे नहीं पता, वरना पापा की जगह मामा बन जाना मेरे बच्चों के। और ये केले मेरे को दे। मैं भाई बताएगा बात क्या हुई है। आशिक ने लड़का देख रहा है उसके घर वाले, और कल तो पंडित भी आ रहा है। अबे ये तो अच्छी बात है। घंटा अच्छी बात है। अबे सही तो कह रहा है, कल एक काम कर तू उसकी फैमिली के साथ चला जा पंडित को रिसीव करने, और इंप्रेशन ठोक दे उसके आगे अपना। क्या बात कर रहा है? वे सच्ची, उसका पंडित भी तेरा, मंडप भी तेरा, और बीवी भी तेरी। और आशी? अबे साले वो तो है ही तेरी। साला खड़ू सा बुड्ढा, होने वाले दामाद के साथ ऐसे करता है कोई? अरे ऊपर से, ऊपर से, ऊपर से। अरे नहीं, हम यहीं से आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऊपर से। अरे यहाँ से आ जाएंगे हम, छोटा पड़ेगा। अरे नहीं ना, ऊपर से आओ यार। अरे आप समझा करिए, हम यहीं से आ जाएंगे। आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, आप टेंशन ना लीजिए। चलो आ जाओ। अरे राम राम भाई साहब, बचाइए। अरे पंडित जी खींचो यार, बचाइए भाई साहब यार, जल्दी बचाइए। बढ़िया, मरने साले को कोई नहीं जाएगा बचाने, बताओ मरने दे साले को। अबे तू पागल है क्या? मैं जाके बचा ले पंडित को। साले उसे बचाऊंगा ना, कभी जिंदगी में शादी नहीं होगी आशी से मेरी। अगर पंडित मर गया ना तो सात जन्मों में तेरी शादी नहीं हो पाएगी आशी से। अरे पंडित जी खींचो यार, कोई है बेचारा पंडित मर जाएगा, बचाओ। क्या बात कर रहा है? अबे यही तो बात कर रहा हूँ, बचा ले पंडित को और इम्प्रेस कर दे पूरी फैमिली को। बन जा पूरी फैमिली का सुपर हीरो और फिर आशी तेरी। जा बचा ले, बचा ले, बचा ले। Oh shit. कोई नहीं अंकल जी, वैसे भी दूर के थे। अब तो और दूर के हो गए। इन्हें लेके जाए यहाँ से, लेके जाए इन्हें यहाँ से। हर्ष मैंने तुम्हें पंडित को इम्प्रेस करने के लिए बोला था, तुमने पूरी फैमिली को डिप्रेस कर दिया। क्या राशि, मेरी थोड़ी गलती, मैं ट्राई तो कर रहा था ना। मुझे नहीं पता, तुम अभी यहाँ से जाओ, तुम्हारे वजह से सबका दिमाग खराब हो गया। इम्प्रेस करने के लिए बोला था, पूरी फैमिली डिप्रेस होगी, मर गया ना पंडित मेरे हाथों। और देखा आशी ने किसे धक्के मार के निकाला अपने गेट से। अबे जिस गेट से तेरे को धक्के मार के निकाला है ना, उसी गेट से तेरी बरात अंदर जाएगी। क्या बात कर रहा है? अबे सही तो कह रहा है। वो कैसे? पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है। थोड़े बाद में दौड़ाइयो, पहले बात सुन उससे। मैं देख पंडित के बाद आता उसका बाप में। हाँ। कैसे ना कैसे करके तू बाप को पटा ले इस बार। क्या बात कर रहा है? तो आता तेरी बल्ले बल्ले। किसको पटा ले? बाप को। किसको पटा ले? बाप को। किसको पटा ले? बाप को। सो जाओ कुत्तो, रात के 3 बज चुके हैं। सॉरी अंकल, सॉरी। अरे अंकल आप यहाँ पे कैसे? दो आपके अंडे मैं पकड़ लेता हूँ, ये मुर्गी वाले अंडे मैं पकड़ लेता हूँ। ओ अंकल, एक्चुअली उस दिन के लिए सॉरी कहना चाहता हूँ, वो जो था इंटेंशनली नहीं था। मुझे लग रहा है बहुत खतरनाक गुंडे हैं, पर आप डरो मत, आपका बेटा भी जिंदा है, अभी एक एक की हड्डी पसली एक कर दूंगा। बेटा लड़ाई में किसी का भला नहीं। अंकल बस, इन्होंने हमारा रास्ता कैसे काटा आप ये पकड़ो, इन्हें तो मैं बताता हूँ।
क्या जरूरत हीरो बनने की, तोड़ दी हड्डी पसली, मुर्गी के अंडे भुड़वा दिए और असली भी। अब अंकल मैंने जानबूझ के थोड़ी किया। हाँ जानबूझ के तो तू कुछ करता ही नहीं है। अंकल फोन पास करना, लाउड स्पीकर कर दो। अरे हर्ष भाई, जो तूने बुड्ढे को मारने के लिए गुंडे भेजे थे ना, वो थोड़ा जाम में फंस गए हैं, लेट हो जाएंगे, तब तक बुड्ढे को बिजी रख। अंकल ऐसा नहीं है। कुत्ते के बच्चे साले, कुत्ते आराम चाहते, जिस थाली में खाता उसमें ही हकता है। इनके सर पे काफ़ी गहरी चोट लगी है, इस वजह से कोमा में है। इनको ठीक होने में 1 दिन भी लग सकता है और 10 साल भी लग सकते हैं, इसलिए इनका ख्याल रखिए और इनको टाइम टू टाइम दवाइयाँ देते रहिए। ठीक बेटा, ये सब कैसे हो गया? आंटी मुझे तो खुद नहीं पता, मैं तो बस जा रहा था रास्ते से, अंकल के ऊपर 2-3 आदमी चढ़े हुए थे, वो तो मैं आया एंड टाइम पे आके मैंने ईंट मार दी, गुंडों को ईंट मार दी, तो फिर बच के अंकल मैं यहाँ ले आया। बाकी आप ख्याल रखो, मैं आऊँगा आंटी। ठीक है दे दिया आइडिया, हो गए कुछ साल, उसका बाप कोमा में चला गया, वो तो अच्छा है फुल स्टॉप नहीं लगा, पर 2 मर्डर केस में अंदर था मैं। अबे सही तो है, अब उसका बाप बीच में भी नहीं आएगा। क्या बात कर रहा है? मैं सही तो कह रहा है। कैसे? एक काम कर, खुल लो कर कट पे है फिर लॉक कर। देखो डकैत, तिजोरी बाद में खोलियो, पहले बात सुन उसकी। सॉरी देख सुन, पंडित के बाद मेन कौन आता है? बाप। अब बाप के बाद मेन कौन आएगा? माँ। अभी तो तू उसकी माँ को पटाना। अरे नहीं यार आंटी, बड़ी उम्र की है। अबे चुप, ताड़ उसकी माँ को इम्प्रेस कर, ताकि तेरा और राशि का रिश्ता हो सके। कैसे? उसकी माँ के लिए गिफ्ट ले जा, मना उन्हें। क्या बात कर रहा है? किसको पटाएगा? माँ को। किसको पटाएगा? माँ को। किसको पटाएगा? माँ को। की माँ का भोसड़ा मर्डर चोर। अरे भाई 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 भाई, यार आशिक कहाँ है यार, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। हाँ बस हर्ष उतर गई, लिफ्ट में हूँ, जल्दी नीचे आ। घर देख रहा तू? शादी के बाद सब तेरे भाई का होने वाला। बड़ी देरी तो क्या देख रहा ऊपर? अबे चल अपना काम कर, जैसे बता दो शादी के बाद सब तेरे भाई। अबे बताएगा क्या देख रहा ऊपर? अबे ये पूरा घर ना तेरे भाई का होने वाला शादी के बाद। अच्छा कैसे? जो सेकंड फ्लोर वाली आशी है ना। यार मैं चला आते, तू ही बता। सेटिंग है भाई की सेकंड फ्लोर वाली। हाँ मेरी भैया, आपको मम्मी ने काम दिया ना, आप जाते क्यों नहीं हो? और हर्ष तू इधर आ। हर्ष मैं 2 मिनट में चेंज करके आ रही हूँ, तू यहीं वेट कर रही हो ठीक है? आंटी का नजर नहीं आ रही। अपने रूम में ही होंगी, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। हाँ पहले स्कार्फ लाया था तो ये पहने तेरे को बहुत अच्छा लगेगा। आए अबे यार आंटी तो रूम में बैठे, गिफ्ट किसको दूँ? चले काम करते हैं, जब तक सूसू करके आ जाता हूँ। अबे यार अबे हर्ष कहाँ चला गया? यार आशी अभी तक आई नहीं क्या? कितना ज्यादा टाइम लेती है ये। अरे कोमा से ठीक भी हो गया? कोमा? मुझे क्या हुआ था? हर्ष भाई और आइडिया मत देना मेरे को, रेप केस में अंदर हो तो बचाऊं मैं। अबे ये तो और भी अच्छा हुआ। क्या बात कर रहा है? बस सही तो कह रहा है। कैसे? प्लास्टिक के ग्लास, गाड़ी एस क्लास, एक हाथ में नमकीन दूसरे में शिवास। अबे ओ संगीत सम्राट, मतलब बात तो सुन ले उसकी। मैं कह रहा हूँ प्लास्टिक के ग्लास में उसके भाई को दारू पिला, क्लब में ले जा, बंदियों के साथ घुमा, उससे क्या होगा? तभी तो मनाएगा अपने माँ बाप को तेरे और राशि के रिश्ते के लिए। क्या बात कर रहा है? किससे दोस्ती बढ़ाएगा? भाई से। किससे? भाई से। से भाई से। कुछ भी कर ले नहीं पटने वाली। जय हो मेरा भाई, देख तेरे लिए क्या लाया हूँ।
म्यूजिक MG तुझे बीच सड़क में रोक के दूंगा मौके देखने के मेरे शौके इट्स ओके तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़कियों के दिल ठोके लाखों दिल ठोके तू तुझे मौके तेरी फ्रेंड बोले तू मुझे लाइक करती है बोलने से डरती है मुझ पे तू मरती है देख डर मत बोल दे आई लव यू ऑल दे दिल की तू बातें सारी खोल दे आंटी जो आशी के लिए लड़का ढूंढा है वो मिलेंदी तू है हाय हाय मिलिंद हाय एक सेकंड कहीं देखा है YouTube हाँ राइट आशीष चंचलानी में आपकी बहुत एक सेकंड मैं हर्ष हूँ हर्ष बेनीवाल ओह अच्छा मुझे एक्चुअली पेट देख के लगा पांक चल नाम है क्या रखा यार शादी में जरूर रहना राइट कौन आया हो इतना स्मार्ट सा पता नहीं यार अबे कौन था भाई मिलिंद गावा आया हुआ यार आशी के रिश्ते के लिए मिलिंद गावा हाँ म्यूजिक MG हाँ क्या बात कर रहा है हाँ ओ भाई एक सेल्फी तो बनती है यार साले तू मेरी साइड है उसकी साइड है समझा इसे अबे वीडियो नोट भी बनता आजा पंडित मैंने मार दिया बाप कोमा में चला गया माँ ने हरेसमेंट का केस लगा दिया और उसका भाई वो पहले से मिलिंद का साला बन के बैठा हुआ है अब कैसे होगी मेरी शादी अबे ये तो और भी अच्छा हुआ भाई भाई आप सब सेट है क्या बात कर रहा है अरे सही तो कह रहा है मतलब कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ओ ख्याल ही पुलाव पूरी बात सुन लेकर पहले अरे कभी कभी पटानी जाए हटाने पे कंसंट्रेट करना पड़ता है मतलब हम मिलिंद को हटाएंगे फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी अबे यार वो तो गिटार बजाता है अबे ओ पीपनी सी शक्ल के पूरी बात सुन लेकर अरे कल जब मिलिंद आएगा आशी के घर जैसे कार से उतरेगा बोरी में डाल के कर देंगे गायब छुमंतर क्या बात कर रहा है फिर जब मिलिंद ही नहीं होगा उसके घर वाले शादी किससे कराएंगे मुझसे किससे कराएंगे मुझसे किससे कराएंगे मुझसे लगता है मिलिंद आने वाला है हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा Shit. Thank you so much for watching our video. Thank you so much for watching our video. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर करो लाइक करो सब्सक्राइब करो हर्ष बेनीवाल को घंटा भी बजाना हाँ एंड भाई का अगर गाना नहीं सुना ना सुन लिया एक बार फिर सुनो अपने परिवार को भी सुनाओ और अपनी सहेलियों को उनके सहेलियों को सबको सुनाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में ठीक है लव यू थैंक यू सो मच